हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। और भाई तुम्हारा भाई खड़ा है दूसरे वाले स्टेशन पे। आज थोड़ा अलग वाला है, अपने घर से थोड़ा सा आगे निकल गया है। बाकी आज हम जा रहे हैं अपने कॉलेज में। हमने शायद मैं ये डालूंगा तो आपको पता वही से चल जाएगा। आज अपना कॉलेज है, ओरिएंटेशन है उसकी। ओरिएंटेशन कल ऑनलाइन थी, आज ऑफलाइन है। देखते हैं भाई क्या कैसा क्या कुछ कॉलेज अपना। बाकी सिस्टम मिला रहे हम तो बस प्यार से पढ़ेंगे वहाँ पे और एक आधे बालक छेड़ देंगे। हर जस्ट किडिंग भाई। होना करते हैं भाई वहाँ पे पहुँचते, देखते हैं भाई क्या क्या कुछ सीन है कॉलेज में, क्या क्या माल है पढ़ाई वाला, और देखते हैं क्या कुछ सीन रहेगा भाई। मौसम नेक्स्ट लेवल। तो भाई हम यहाँ से निकल चुके हैं अपने मेट्रो से, इंडियन मेट्रो से, और अपने स्टॉप बस स्टॉप पे भाई अब हम वेट कर रहे, देखते हैं कितनी देर में आएगी भाई। तो भाई तुम्हारा भाई पहुंच गया अपने कैपलान वाले स्टेशन पे। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में अपनी बस आ जाएगी, उसके बाद पहुंचते हैं अपने यूनिवर्सिटी में, फिर दिखाता है भाई कैसे है, कुछ है बढ़िया भी है या नहीं है, आपको रिकमेंड करनी भी चाहिए नहीं भाई। मैं सही बताऊंगा मज़े नहीं लूँगा कि मतलब मेरा तो चलो हो गया ना साफ कर करा तो ना नहीं ऐसे तो कुछ नहीं हुआ, पर ठीक है बताते भी पहुँचते हैं, देखते फिर क्या होगा। मेरे सामने अच्छी यूनिवर्सिटी पाएगी जितनों से मैंने पूछा। मेरा एक रूममेट है वो भी इसे कह पिलानों से अच्छी यूनिवर्सिटी बता रहा है। बाकी देखते हैं अपना ओपिनियन देंगे आपको थोड़ी बहुत, देखते हैं यूनिवर्सिटी यहाँ की कैसी है। वैसे मैंने देखी इंडिया की भी नहीं है क्योंकि आफ्टर जस्ट 12th ही आया था मैं, पर कोई नहीं लेट्स इट। तो भाई हम उतर चुके अपनी बस से और जा रहे अपने वो कैफेटेरिया पे। कैफेटेरिया पे ये है भाई अपनी ओरिएंटेशन, तो एक बार वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते भाई क्या सीन चल रहा है। तो भाई ये रही यहाँ की लाइब्रेरी, ये पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। और ऑर्बिटस यो भी मेरा निके है भाई, पता नहीं चल रहा क्या चीज़ है ये। चलो पूछते हैं किसी से। गाइस कैफेटेरिया गाइस, ये ओरिएंटेशन नहीं सारा सिस्टम कर दिया जिम खा गया हमने। दिस इज जिम यहाँ का भाई, खटके से खुला है गेट कितने भाई। अभी ये उस बिल्डिंग से निकल के उसका आगे आड़ी आ गई है स्टूडेंट्स यूनियन लाइब्रेरी लॉन्च। ये फिर एक और लाइब्रेरी, एक ही है वैसे तो। और ये चढ़ी भाई ऊपर भाई, खुद लाइब्रेरी नहीं जाती। ओह माय गॉड, मेरे मैं कभी लाइब्रेरी जाती नहीं, तो पता नहीं कैसे एक्सप्लेन करेगी कोई ना। उसमें यू कह रहे हैं अगर आपका लैपटॉप या फ़ोन टूट जाए तो ये ठीक करेंगे, बस पार्ट्स के पास देंगे। भाई लेना है ये कैपिलानों का कार्ड, तो लाइन देखो वहाँ से शुरू हो गए। ये ऐसे हम बाहर निकल चुके हैं अपने उससे, पर अभी कार्ड अपने स्टूडेंट आईडी अभी हमें नहीं मिल पाई है क्योंकि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा, उन्हें हमें कार्ड दे दिया, भीड़ ज़्यादा थी तो उसकी वजह से मिला नहीं। पर अभी उन्हें हमें कार्ड दे दिया, हमें उस पर अपनी आईडी और फ़ोटो मेल करनी है, आ जाएगा दो तीन दिन में बता देंगे जब भी उठाना होगा। बाकी आके जिम में आने गाऊँगा भाई। अब भाई यहाँ पे आ गए, ये था बंद पर हमने मार लिया एंट्री। अभी थोड़ी देर पहले खुला था पर अब हो गया बंद। ओ शायद पेड़ पड़ गया भाई यहाँ पे, कोई नहीं देखते हैं। हाँ पेड़ पड़ गया, साइड में से लिकट जाएंगे। गाइस कुछ दिखाता हूँ, ये अपना पैर ले रहा है, पता नहीं क्या ले रहा है हाथ। ये देखो पता नहीं भाई कर क्या रहा है, ये शायद बुद्धा है भाई। तुम्हारा भाई मर रहा था बस, चल तुम्हें और कुछ दिखाता हूँ बस, बैठा था वैसे। तो भाई ऐसे छोटा सा एक गार्डन है, और भाई वहाँ पे एक और बिल्डिंग है जो अभी तक हमने खुद नहीं देखी। अरे मैपल है भाई, पूरा जंगल है, बीच में बैठने की फीलिंग अलग है। और वो शायद बारबेक्यू है। अब तुम कहोगे बारबेक्यू उठा के चले जाओ घर पे, तो भाई हर एक चीज़ चोरी करने के नहीं होती। वैसे मैं मजाक को मैं कहता हूँ भाई, नथिंग लाइक डैट, कि कुछ बंदे सोच रहे हैं कि हम सही में करते हैं। भाई भाई ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट फॉर मजाक करते हैं हम, ठीक है। तो देख लो भाई सिस्टम,
इसमें ऐसे कुछ खुलता है, ये इसके अंदर होता है ग्रिल और इसमें बंदे पकावे हैं, शेप ऐसे भाई। तो भाई ये रही आपकी पार्किंग पुर्किंग और सिस्टम, ये और ये और पार्किंग रही, पीछे की तरफ भी पार्किंग पार्किंग पार्किंग, गड्डियों की लाइन है। चलो देखते कौन सी सबसे सेक्सी है। देखो भाई ग्राउंड क्लियरेंस सही है इसकी मस्त, और बंदा मॉडिफाई करवा रहा है, और तो भाई कुछ भी नहीं, वो छोटी चिंकी है और चिंकी के अलावा चिंका भी है और तो भाई कुछ भी नहीं है ना भाई। व्यू देखो भाई है ना मस्त, इसलिए कह रहे थे कनाडा आना चाहिए तुम्हें भी, वो उससे आ जाओ भाई, तुम क्या कहते हो उसको डोंकी से, डोंकी से तुम पहले यूएसए आओ, यूएसए से कनाडा। तो भाई ये ले लिया हमने यहाँ से, देखते हैं भाई सिस्टर में से खाने का मन तो नहीं कर रहा, क्या पता क्या हो। अरे तो मेरे को वो लग रहा है ना, कुछ हो रही है पता नहीं क्या डंगा है। शिट और भी है वैसे बहुत है भाई यहाँ पे तो ये। और ये आ गया अपनी दूसरी बिल्डिंग भाई, यहाँ पे बिल्डिंग का कुछ समझ ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या है वगैरह वगैरह। बाकी यार फेस पे फुंसियाँ जैसी ये होगी क्योंकि मैं पानी नहीं पी रहा, प्यास का पता नहीं चलता। पर ये देखो भाई पेनी, इट्स सो प्रीटी पेनी, कैन आई रिकॉर्ड हर? या जस्ट जस्ट अ पिक्चर। श्योर पेनी, या वी आर नॉट शाय, शी इज यूज्ड टू द कैमरा। थैंक यू पेनी, आई लव डॉग्स सो आई एम सॉरी। से पेनी सिट, पेनी सिट सिट सिट, शी सेड ग्राउंड्स कोल्ड। तो भाई तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे बाहर और अपनी बस क्लास का वेट चल रहा था, 15 मिनट और रह गए फिर अपनी क्लास है, उसके बाद देखते हैं मैं क्या करना है यहाँ पे, थोड़ी देर शायद जिम मारूंगा उसके बाद निकलते हैं घर पे। भाई हम निकल गए यहाँ से बाहर, अभी मुझे बाहर निकलते पता हो कैसी फीलिंग है, जैसे गाँव में नहीं होती सुबह सुबह उठते हैं 4 बजे वो वाली फीलिंग आ रही थी, पता नहीं क्यों थोड़ी सी वही वाली फीलिंग सी थी, पर ठीक है। और यहाँ पे सेंटर फॉर स्पोर्ट एंड वेलनेस जिम कह रहे बंद हो गया, 4 बजे बंद हो गया, कोई बात हुई क्या? मैं तो सोचा बाद में जाऊँगा क्लास क्लूस लेके, पर कोई नहीं, पर ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि अंदर की चीज़ें खुल रखी हैं वो भी बंद हो जाती है वैसे 4 बजे कह रहे बच्चे, पर कोई नहीं लेट्स ट्राई आउट। जिम खुला है बंद है भाई, खुला होना चाहिए यार एक दिन तो लगे भाई। ये रहा इनका जिम, बाकी खुला है भाई, ये वाला गेट तो खुला है, ये वाला गेट तो खुला है क्योंकि यू कह राज ने बाढ़ का है ना, तो हवाबाजी कर रहे हैं ये, यू दिखा रहे हैं कि लेट तो खुला है। ओहो ऐसा कुछ है भाई, ये इनका कुछ सिस्टम है। तो भाई हम चल रहे हैं बीच पे, ये रहा अपना बीच और ये हम, और हम अपने बीच में चल रहे हैं भाई। पता नहीं इसमें कौन सा वो दब गया बटन, शायद ये है, अब इसमें से हवा आ रही है साइड में से, इसमें से ओ ना भाई इससे तो हवा नहीं है, पता नहीं कोई बटन दब गया मेरे से, उसमें से इससे हवा आ रही है मस्त वाली, शायद चलने का एक्सपीरियंस होगा। और अब हम यहाँ भी चल सकते हैं, ये सिलेक्ट बैकग्राउंड, अच्छा बैकग्राउंड है ये तो, हम करते हैं अच्छा इससे चल गया ये, अभी बंद हो गया, अभी हमने तेज चला दिया। और इसमें क्या क्या है और तो भाई ये बदलना है मेरे को, मैं अपने पास ये ऑप्शन है भाई, स्नो पे भाग सकते हैं, कॉन्क्रीट पे, मैजिक लेक, बियॉन्ड द लेक, कितने भाग सका भाई, ये बैक करो, अब मांगते हैं स्नो पे, एज कर दो 5 साल का बालक है भाई, वी आर 5 ईयर्स ओल्ड, तो हमने यहाँ पे 5 साल ये कर दिया, वेट हम है मोटे 540 कर दिया गो, और चलेगा, मैं सोचा चलने तब मना कर दे। और यहाँ से पड़ेगी इसकी स्पीड ये माइल्स। एक बात और भाई, मैंने इसमें ना ये करा कंट्री सेलेक्ट, तो इसमें कहीं इंडिया ही नहीं है, मतलब खाली यही है नो इंडिया दे ही नहीं रखा इन्हें भाई। ये लगी मुझे कुछ काम की मशीन, मतलब इसमें ये पकड़ना है
और इसको घर पे लेके जाना है, ठीक है। और आपको उस तरफ फेस करना है, ये इस पे हाथ रखने हैं और गुलाटी मारनी है भाई। भाई यो सिस्टम देखो, वो तो भाई समझते बाहर है। मैं सोच रहा था नॉर्मल होगा, पर ये तो कुछ अलग ही है। ऊपर चढ़ो इसमें, ये फिर नीचे, ये वो नहीं होता मैट्रिक्स होता है, ये है वो मैट्रिक्स जो एंड्रू टेट के पीछे पड़ रही है। दिस इज डेट मार के भाई जिम मार के पैर लिए कपड़े, और आजकल वो चल रहा है एंड्रू टेट। एंड्रू टेट के पीछे पड़ रही है मैट्रिक्स, और भाई आजकल ये सवाल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, मैट्रिक्स होता क्या है। भाई मैं बता दूँ मैट्रिक्स क्या होता है और कौन एंड्रू टेट के पीछे पड़ रहा है। मैंने इस पर पूरी रिसर्च करी और मैंने पता लगा लिया भाई फाइनली कौन है मैट्रिक्स। आई फाउंड इट, मैट्रिक्स ये है, ये प्यारी मैट्रिक्स है, ये पढ़ रही है एंड्रू टेट की दुनिया और उसकी लाइफ के पीछे। दिस इज मैट्रिक्स, जिसको नहीं पता ये होती है मैट्रिक्स। ओके भाई ये है इनका बास्केटबॉल कोर्ट, तो भाई ये बास्केटबॉल कोर्ट है भाई इनका, क्या प्लान होगा। और यार अपना पानी ये बहुत ज़रूरी है भाई। आगे अपने स्टेशन पे, अब यहाँ से सीधा जाएंगे घर, और अभी थोड़ी देर में बस आने वाली है, फिर देखते भाई क्या करते। भाई हम उतर गए अपने स्टॉप पे, और भाई ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा तगड़ी, मतलब नेक्स्ट लेवल। और यहाँ हो रही है मैक्सिमम स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, पर हम चलाएंगे अपनी गड्डी आते 100 किलोमीटर पर आवर। भाई थोड़ा बस मजाक या मूड हो रहा है, पर कोई है नहीं मजाक करने के लिए, इसलिए आपके साथ कर रहे हैं। और भाई जो भी, मतलब बढ़िया सिस्टम सारा, कॉलेज है अच्छा है, जो भी आना चाहता भाई आ सकता है। एक मैंने क्लास लगाई थी यूएसएस की, टीचर देखो था तो बढ़िया, मतलब एज बात बूत करने में मतलब पूरी अटेंशन दे रहा था, सारी चीज़ बढ़िया थी, और रिस्पांस भी सारा सही था। पर मैं जैसे बाहर निकला दो तीन बंदे थे, मतलब मेरे साथ ही बैठे थे सारे टाइम क्लास में, पर वे कह रहे थे कि ये जो सर है ये नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि यहाँ पे पता नहीं उनका अलग परसेप्शन है, बाकी यूँ कह रहे थे कि ये वाला टीचर थोड़ा अजीब सा था, क्योंकि यहाँ पे नोबडी गिव्स अ फक, मतलब कि जो घंटा फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ये वाला अच्छा था मेरे हिसाब से, बाकी वो कहते अच्छा नहीं है, नंबर नहीं देगा ये वाला, चाहे कुछ कर लो मगा ऐसे कैसे नहीं, नंबर नहीं देगा, काम करें तो देगा हैं, क्यों नहीं देगा। और बाकी बात रही दोस्तों की, दोस्त भाई ठीक हैं, बड़े हैं कई सारे, बड़े हैं वे भी थे और भी थे, दो तीन लड़कियां भी थी, लड़के भी थे बहुत सारे। मैं भाई ऐसा हूँ, मैं सबसे बात कर लेता हूँ, पर नेचर पता चल जाता भाई बंदे का कैसे का सिस्टम है। भाई कनाडा में दोस्त भाई वो नहीं बनेंगे, बनेंगे पर देखो आपको एक पॉइंट पर पता चल जाएगा मका मतलब ही है यार, मतलब देखो वैसे होता तो ऐसा ही है। इंडिया में कॉलेज में आपको शायद ढंग के दोस्त मिल जाए, यहाँ पे भी शायद मिल जाए, केसेस तो भाई हर जगह होते हैं। बाकी भाई सच्चे दोस्त तो अपने उसमें बनते हैं स्कूल लाइफ में, जो उस टाइम पे बन गया वो बन गया, बाद में तो भाई मतलब ही दोस्त होंगे तुम्हारे। भाई बस अब करना क्या है, अब तो बस घर पर जाऊँगा और सोना ही है, क्योंकि भाई कल सुबह एक और इंटरव्यू है, और इंटरव्यू है तो भाई कल फिर करना पड़ेगा ना। तो अब थोड़े थोड़े पता चल रहा है भाई बिजी डे हो रहे हैं, बाकी अभी जॉब शुरू नहीं हुई है, जब दोनों शुरू हो गए तब पता चलेगा। भाई तुम्हारा भाई छोटा थोड़ा है, सारे काम कर देगा। और हाँ बस यही था भाई, चलो मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। ओके बाय।